बाय वंस क्राई वंस, ये सोच है टेरी स्मिथ की, जो कि एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर हैं। उनकी कंपनी का नाम फंड स्मिथ है, जो हमेशा हाई क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। ये कंपनी उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जिनके बिजनेस मॉडल ड्यूरेबल होते हैं और जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हैं। अपनी इसी सोच के कारण टेरी स्मिथ ने 2010 से आज तक एनुअली 19.2% का रिटर्न दिया है और इसी टाइम पीरियड के दौरान MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने 12.8% का रिटर्न दिया है। MSCI एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के लार्ज कैप और मिड कैप को ट्रैक करता है। इसमें 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़। टेरी स्मिथ ने कंपनी की शुरुआत से 500% का रिटर्न भी दिया है और अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के तरीके सिखाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ, हाउ टू मेक मनी बाय बाइंग ओनली बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम इसी बुक के 5 लेसन सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर हम गिव अवे करेंगे। टेरी स्मिथ की सोच को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपने दो बाइक खरीदी है, एक बाइक लिया आपने ब्रांड न्यू जो आपकी थोड़ी महंगी पड़ी है और दूसरी बाइक लिया आपने सेकंड हैंड जो आपको उस बाइक के मुकाबले आधे प्राइस पर मिली है। नई बाइक खरीदने पर आपको दुख होगा कि इतनी महंगी बाइक ले ली और काम दोनों के एक जैसे ही हैं, पर 6 महीने बाद सेकंड हैंड बाइक के इंजन के पिस्टन रिंग खराब हो गए तो आपने उसे रिप्लेस करा दिए। फिर अगले 3 महीने बाद उसका सेंसर खराब हो गया, आपने उसे भी रिप्लेस करा दिया। ऐसा करते करते अगले 2-3 सालों में जो सेकंड हैंड बाइक का प्राइस था वो नई बाइक जितना ही आ जाएगा, क्योंकि आपने उस पर इतना पैसा खर्च कर दिया है। तो यही ऑथर समझाना चाह रहे हैं कि जब आप हाई क्वालिटी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ आप तभी रोएंगे जब आपने उसे खरीदा होगा, पर अगर आप लो क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं, लो क्वालिटी चीज़ खरीदते हैं, तो इवेंचुअली वो चीज़ हमें ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो यही कॉन्सेप्ट है बाय वंस क्राई वंस का। टेरी स्मिथ अपने फंड के लिए हमेशा हाई क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनसे उन्होंने अच्छा रिटर्न कमाया है। अगर आपको भी वो स्टॉक ढूंढने हैं जो फास्ट ग्रो कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में 3 से 5 गुना आपको रिटर्न दे सकते हैं, तो आपको पिकिंग ग्रोथ स्टॉक बुक समरी वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेसन नंबर 1, ग्रेट कार ग्रेट चॉइस। 50 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम एलेक्स बर्ड था। वो एक जुआरी था और घोड़ों की दौड़ में पैसा लगाया करता था। उस टाइम पर डिजिटल कैमरा नहीं होते थे और जब कैमरा की तस्वीर आने में टाइम लगता था और सभी जुआरी लोग रेस खत्म होने के बाद भी सट्टा लगाया करते थे कि कौन सा घोड़ा जीता होगा। एलेक्स ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। उसने देखा कि जब घोड़ा भीड़ से दूर होता है तो लोगों को लगता है वो तेज दौड़ रहा है और लोग उसी की जीत पर पैसा लगाते हैं। एलेक्स ने ऑब्जर्व किया कि अगर वो अपनी एक आंख बंद कर देगा तो उसे यह भ्रम नहीं होगा कि दूर वाला घोड़ा तेज दौड़ रहा है और वो असली विनर को देख पाएगा। और इसी तरकीब की मदद से एलेक्स ने 100 रेसों में पैसा लगाकर बहुत सारा पैसा कमाया। हम लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं और इस कहानी से टेरी स्मिथ हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भी एलेक्स की तरह तभी बैट लगाना चाहिए जब रेस खत्म हो चुकी हो। इन्वेस्टिंग के केस में जब स्टॉक विनर बन चुका है तब हमें एलेक्स से ज्यादा सावधानी से स्टॉक पिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहले काम है विनर्स का पता लगाना। हम IT कंपनीज को कंज्यूमर गुड वाले कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में विनर हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स और ITC दोनों ही विनर हैं, पर दोनों ही अलग अलग सेक्टर के हैं। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। टाटा मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, ITC FMCG सेक्टर का है। विनर्स को ढूंढने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि हाई प्रॉफिट मार्जिन, बेसिकली ग्रॉस और प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि TCS, HDFC, एशियन पेंट्स और बजाज फिनसर्व। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनकी हाई प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा है हाई एसेट ऑन रिटर्न, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले SA और PNG। और तीसरा है हाई इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, भारतीय एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेम सेक्टर की कंपनीज को ही कंपेयर करें, आप एप्पल को आम से कंपेयर नहीं कर सकते। विनर्स कंपनी ज़्यादातर हाई प्रीमियम पर मिलती हैं और वो महंगी इसीलिए हैं क्योंकि वो अच्छी हैं, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास मोट है, जिसका मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। पर इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो आपको डिस्काउंट पर भी मिल सकती हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब चलते हैं अपने लेसन नंबर 2, डोंट पे एक्स्ट्रा फॉर एनी अननेसेसरी गैजेट्स। जब एक इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे 5 तरीकों से प्रॉफिट होता है: कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, स्पेशल डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, मर्जर एंड एक्विजिशन। आपको इन सब के बारे में पता ही होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल गेन। पर कुछ इन्वेस्टर ये माइंडसेट लेकर चलते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो बेकार कंपनी होती है, जबकि सच तो ये है कि फास्ट ग्रोइंग कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, मतलब कि उनका कैश कंपनी से बाहर नहीं जा रहा और वो उस कैश को री इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए 1980 से 2021 तक बर्कशायर हैथवे ने इन्वेस्टर को 20% रिटर्न दिया है। अगर बर्कशायर हैथवे तब डिविडेंड देना स्टार्ट कर देता तो वो इतना ग्रो नहीं कर पाती। स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर दोनों तरीकों से पैसा कमाता है, स्टॉक एप्रिसिएशन और डिविडेंड। एक इन्वेस्टर के लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं, पर एक कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है और डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो पैसा बिजनेस को ग्रो करने में ही हेल्प कर रहा है, तो इसका फायदा भी बाद में इन्वेस्टर को ही होगा। इसलिए सिर्फ डिविडेंड के बेस पर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिस नहीं करना चाहिए। हमारे अगले लेसन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड रखें। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए अपनी ट्रेड रिव्यू शीट रखी है जो मेरे रियल ट्रेड्स थे। उसमें मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी लिखी है जिसके बेस पर मैंने वो ट्रेड लिए थे, और उस शीट को आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रेड रिकॉर्ड भी उसमें रख सकते हैं। लेसन नंबर थर्ड, पेशेंस फॉर डिस्काउंट। आपने दो लेसन तो सीख लिए, पर इस लेसन में आप सीखने वाले हैं कि हाई क्वालिटी स्टॉक को डिस्काउंट पर खरीदना और उसके तरीके और उसके फायदे। हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे ITC एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाला स्टॉक है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास मोट है जो बहुत सस्टेनेबल है, या फिर एशियन पेंट के पास हाई प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए बस एक हाई क्वालिटी स्टॉक देखते हैं और उसका प्राइस नहीं देखते तो आप फर्स्ट लेवल थिंकिंग के शिकार हैं, और इसके कारण पैसा तो बनता है पर बहुत ज़्यादा नहीं बनता। हॉवर्ड मार्क्स जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट के को फाउंडर और को चेयरमैन भी हैं, इन्होंने दो फेमस बुक भी लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनकॉमन सेंस फॉर थॉटफुल इन्वेस्टर और मास्टरिंग द मार्केट साइकिल गेटिंग द ऑड्स ऑन योर साइड। वो कहते हैं कि बिना प्राइस देखे कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर आपने स्टॉक खरीद लिया है जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 7 सालों में वो 20% का ग्रो करेगा, पर आपका रिटर्न बहुत बेकार होगा अगर उसी स्टॉक की वैल्यूएशन उसी पीरियड के लिए 30% पर ईयर की होगी। एग्जांपल के लिए ITC बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी देता है और ग्रो भी करता है, पर उसकी वैल्यूएशन हाई है तो आपको वो महंगा ही मिलेगा। अपॉर्चुनिटी हमेशा उसी को मिलती है जो सब्र करता है और जो तैयार होता है। उसी तरह आपको भी सब्र करना है एक अच्छे स्टॉक के डिस्काउंट पर आने का। एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो हाई क्वालिटी स्टॉक को 30-40% डिस्काउंट पर खरीद दे, जिससे उसके पास उतना बफर हो लॉस से बचने के लिए। टेरी स्मिथ ने एक तरीका सजेस्ट किया है हाई क्वालिटी स्टॉक को डिस्काउंट पर खरीदने का, और वो है कि आपको अच्छे स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब वो किसी टेम्परेरी रीजन के कारण गिर गए हो। मैं कुछ सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ जिनकी मदद से आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स आसानी से मिल सकते हैं। नंबर वन, अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेक श्योर कि आपने रिसर्च की हो और जिनकी वैल्यूएशन आपको भी हाई लग रही है। दूसरा, एक न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जो आपको फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ दे, और हर 3-4 दिन में उस स्टॉक को आपको उस ऐप में सर्च करके देखना है कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है। और तीसरा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको न्यूज़ मिले तो आपको ये सोचना है कि क्या ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है या ये परमानेंट है, और जिन स्टॉक में ये वो न्यूज़ टेम्परेरी लगे उसे खरीद लेना है। 3 टाइप के टेम्परेरी न्यूज़ को आपको ट्रैक करना है, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन, नेगेटिव न्यूज़ इवेंट्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़। इसके अलावा एक क्वार्टरली रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया कि 35% का ग्रोथ होगा और सिर्फ 20% की ग्रो हुई है, तो उसमें स्टॉक प्राइसेस गिर जाता है। पर आपको इन टेम्परेरी सेंटिमेंट को इग्नोर करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का, जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म व्यू को देखकर रिएक्ट कर रहे हो तब आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखकर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है। लेसन नंबर 4 है, डोंट लेट द पेन जॉब फूल यू। हमने पिकिंग ग्रोथ स्टॉक बुक में देखा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हम पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। एक अच्छी कंपनी चूज करने के लिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वैल्यूएशन के लिए आपको द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सीखना चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर कभी कभी एक बेकार खटारा कार में अच्छा पेंट करके उसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। जब आपने अपनी कार खरीदी होगी तो ये महसूस किया होगा कि कार बाहर से अच्छी लगती है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है, अंदर से भी साफ होती है, लेकिन जब आप उसे चलाकर देखते हैं तब पता लगता है कि वो खटारा है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी अर्निंग्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पर वो अंदर से बेकार होती हैं। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो उसे मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि अर्निंग पर शेयर इतना ग्रो नहीं कर रहा होता जितना आपको लगता है, क्योंकि न्यू शेयर्स के कारण इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं। केक का टुकड़ा बड़ा तो है पर उसके साथ खाने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। कंपनी पी रेशियो को मैनिपुलेट करना के कुछ तरीके हैं, जैसे कि नए शेयर इशू कर देना, अकाउंटिंग मेथड चेंज करना, या फिर शेयर्स को बायबैक करना। अगर आप प्राइस टू अर्निंग की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो 100 बैगर्स बुक समरी देखनी चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सवाल है कि इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है।
टेरी स्मिथ कहते हैं कि एक और मेजरमेंट है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो आपको कंपनी का स्टेटमेंट में देखने को मिल जाती है। फ्री कैश फ्लो कंपनी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे कंपनी की ग्रोथ में मदद होती है। जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है तो कंपनी 5 तरीके से काम कर सकती है। सबसे पहला, एबिलिटी टू फंड ग्रोथ। जब एक कंपनी के पास कैश फ्लो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हो तो उसके पास फंड होता है जिसकी वजह से वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है या कोई नई कंपनी एक्वायर कर सकता है, इसके कारण बाद में प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा काम है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। पॉजिटिव कैश फ्लो होने से कंपनी के बैड टाइम्स में भी सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अपना कंपनी डेट भी कम कर सकती है। तीसरा, डिविडेंड पेमेंट। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनीज प्रॉफिट का शेयर इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में पे कर देती हैं, जिससे इन्वेस्टर भी खुश रहते हैं और पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है। चौथा है शेयर्स बायबैक। कंपनी कैश रिजर्व से शेयर्स को बायबैक कर लेती है जिससे कंपनी अपनी ओनरशिप बढ़ाती है और इसके साथ स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो भी इंप्रूव होते हैं। पांचवा है डेट रिडक्शन। फ्री कैश फ्लो से कंपनी अपना डेट कम कर सकती है जिससे उसकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है। एक कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कैश फ्लो का क्या करती है, दूसरे बिजनेस को एक्वायर करती है, डिविडेंड देती है या फिर रेनी डे के लिए सेव करके रखती है। लेसन नंबर 5 है, डोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ ऑलराउंडर। मान लेते हैं आपके पास बुलेट बाइक है जिससे आप जब भी अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उसे चला कर ले जाते हैं, पर अगर आपको अपने सासू माँ के घर रोज जाना पड़े जो कि 6 घंटे दूरी पर है, तो आप ज़रूर सोचेंगे ना कि कोई माइलेज देने वाली बाइक होनी चाहिए जिसका माइलेज अच्छा हो। तो पॉइंट ये है कि कोई भी बाइक हर सिचुएशन में फिट तो नहीं हो पाएगी। यही रूल स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्विच करते हैं और फंड मैनेजर भी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए स्ट्रैटेजी स्विच करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके दोस्त ने निफ्टी 50 से 15% ज़्यादा रिटर्न कमाया हो, तो क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्विच कर देंगे? आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट में कौन सा हॉट स्टॉक चल रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट क्या है। इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट भी माइक्रो इंडिकेटर के साथ चेंज होता रहता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक साइकिल। तो जस्ट बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी 2-3 बार फेल हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर चुकी है। आपको कम से कम एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल में उसे टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आप बियर मार्केट और बुल मार्केट दोनों ही देख पाएंगे। समरी के तौर पर, अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कुछ फैक्टर्स यूज़ करते हैं जैसे कि फंडामेंटल, टेक्निकल और कुछ फाइनेंशियल रिस्क, तो उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहें। डिविडेंड प्रैक्टिकल तो होते हैं, पर इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। अगर आप में सब्र है और आप तैयार हैं तो आप हाई क्वालिटी स्टॉक को डिस्काउंट पर ज़रूर ढूंढ लेंगे। अट्रैक्टिव कंपनी को ढंग से परख लेने के लिए आप उसे फ्री कैश फ्लो को देखेंगे और फिर उसके बाद जज करें, तो ही आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पूरी इकोनॉमिक साइकिल में इवैल्यूएट करें, जिससे आप डिसाइड कर पाएं कि ये विनिंग स्ट्रैटेजी है या नहीं है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं जो कि 100 बैगर्स बन सकते हैं, तो 100 बैगर्स बुक समरी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मेयर ने, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।